सत्यम सत्यम शिवम शिवम सुंदरम सुंदरम सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप सत सत्श्री श्री अकाल अकाल मूरत परम मूरत पिता परमाता परमात्मा परमात्मा की की परम परम प्रिय प्रिय संतान, संतान, प्यारे प्यारे भाइयों भाइयों तथा तथा बहनों, बहनों, आज बाबा ने कहा, बाबा मीठे मीठे बच्चे, बच्चे तुम्हारे तुम्हारे जैसा जैसा सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली कोई कोई नहीं नहीं। है। यू ऑल आर वेरी आर लक्की लक्की सोल्स। सोल्स। भगव भक्ति भक्ति मार्ग मार्ग में में तुमने तुमने बहुत बहुत भक्ति भक्ति की। की। यज्ञ यज्ञ तप तप दान दान पुण्य पुण्य तीर्थ तीर्थ यात्राएं यात्राएं गंगा गंगा स्नान स्नान आदि आदि बहुत बहुत किए। किए। भगवान भगवान का का साक्षात्कार साक्षात्कार करने के करने के लिए लिए अभी अभी तुम्हें तुम्हें स्वयं स्वयं स्वयंभू स्वयंभू शिव शिव मिला मिला है। है। मात मात पिता पिता बंधु बंधु सखा सखा बनकर बनकर दुनिया दुनिया उसे उसे पुकार पुकार रही रही है, है। दुनिया दुनिया उसे उसे ढूंढ ढूंढ रही रही है है कि कि आओ आओ प्रभु प्रभु हमें हमें दर्शन दर्शन दो। दो। तुम बच्चे बच्चे उस उस परम परम पिता पिता परमात्मा परमात्मा से से रूहानी रूहानी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ पढ़ रहे रहे हो। हो। अब अब तुम तुम उनसे उनसे बातें बातें भी भी करते करते हो। हो। जो जो बच्चे बच्चे विचार विचार सागर सागर मंथन मंथन करते करते हैं, हैं, उन्हें उन्हें सारा सारा दिन दिन यही यही ख्यालात ख्यालात चलते चलते हैं हैं कि कि कैसे कैसे सबको सबको परमपिता परमपिता परमात्मा परमात्मा से से मिलने मिलने का का मार्ग मार्ग बताएं, बताएं, सद्मार्ग सद्मार्ग बताएं, बताएं, कैसे कैसे सर्वात्माओं सर्वात्माओं का का कल्याण कल्याण करें, करें, उन्हें सुख सुख का का रास्ता रास्ता बताएं। बताएं। ऐसे ऐसे बच्चे बच्चे हर हर समय समय रूहानी रूहानी सेवा सेवा के के नए 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 प्लान्स प्लान्स बनाते बनाते रहते रहते हैं। हैं। कैसे कैसे रूहों रूहों को को राहत राहत दें, दें, यही यही सोचते सोचते रहते रहते हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि रूह रूह बहुत बहुत परेशान परेशान है है कलयुग कलयुग में। में। मन मन से से वाणी वाणी से से कर्म कर्म से से दुखी दुखी है, है, उसको उसको सुखी सुखी कैसे कैसे बनाए, बनाए, यही यही बच्चे बच्चे सोचते सोचते रहते रहते हैं। हैं। उनकी उनकी बुद्धि बुद्धि में में ज्ञान ज्ञान टपकता टपकता रहता रहता है है जो जो विचार विचार सागर सागर मंथन मंथन करते करते हैं, हैं, वो वो अपना अपना टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट नहीं नहीं करते। करते। आप आप देखो, देखो, दुनिया दुनिया में में मेजोरिटी मेजोरिटी लोग लोग टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट करते करते हैं, हैं, संकल्प संकल्प वेस्ट वेस्ट करते करते हैं, हैं, लेकिन लेकिन हमें हमें टाइम टाइम और और माइंड माइंड दोनों दोनों का का ध्यान ध्यान रखना रखना है। है। सदा सदा अपने अपने सतो सतो प्रधान प्रधान संस्कारों संस्कारों में में स्थित स्थित रहे, रहे, सुख सुख शांति शांति की की अनुभूति अनुभूति करना, करना, ये ये सच्ची सच्ची अहिंसा अहिंसा है। है। बाबा बाबा ने ने आज आज अहिंसा अहिंसा की की डेफिनेशन डेफिनेशन दी। दी। सदा सदा अपने अपने सतो सतो प्रधान प्रधान संस्कारों संस्कारों में में स्थित स्थित रहे, रहे, सुख सुख शांति शांति की की अनुभूति अनुभूति करना, करना, ये ये सच्ची सच्ची अहिंसा अहिंसा है। है। हिंसा हिंसा अर्थात अर्थात जिससे जिससे दुख दुख अशांति अशांति की की प्राप्ति प्राप्ति हो। हो। चेक चेक करो, करो, सारे सारे दिन दिन में में किसी किसी भी भी प्रकार प्रकार की की हिंसा हिंसा तो तो नहीं नहीं करते करते हो? हो? यदि यदि कोई कोई शब्द शब्द द्वारा द्वारा किसी किसी की की स्थिति स्थिति को को डगमग डगमग कर कर देते देते हो, हो, ये ये भी भी तो तो हिंसा हिंसा है। है। इसलिए इसलिए हमें हमें कोई कोई भी भी शब्द शब्द ऐसा ऐसा नहीं नहीं बोलना बोलना है है जो जो किसी किसी की की रूह रूह को को प्रॉब्लम प्रॉब्लम पैदा पैदा करे, करे, दुख दुख दे, दे, क्योंकि क्योंकि वो वो हिंसा हिंसा हो हो जाएगी। जाएगी। यदि यदि अपने अपने सतो सतो प्रधान प्रधान मूल मूल संस्कारों संस्कारों को को दबाकर दबाकर दूसरे दूसरे संस्कारों संस्कारों को को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में में लाते लाते हो, हो, तो तो ये ये भी भी हिंसा हिंसा है। है। हमें हमें अपने अपने सतो सतो प्रधान प्रधान संस्कारों संस्कारों को को ही ही यूज यूज करना करना चाहिए, चाहिए, रजो रजो तमो तमो वाले वाले संस्कारों संस्कारों को को यूज यूज नहीं नहीं करना करना है। है। बाबा बाबा कहता कहता है है ये ये भी भी हिंसा हिंसा है। है। इसलिए इसलिए हमेशा हमेशा सतो सतो प्रधान प्रधान रहना रहना है है और और महानता महानता में में जाकर जाकर महान महान आत्मा आत्मा की की स्मृति स्मृति से से डबल डबल अहिंसक अहिंसक बनना बनना है। है। हमें हमें ना ना किसी किसी को को दुख दुख देना देना है, है, ना ना दुख दुख लेना लेना है, है, ना ना संकल्प संकल्प से, से, ना ना वाणी वाणी से, से, ना ना कर्म कर्म से से कोई कोई भी भी हिंसा हिंसा हमें हमें नहीं नहीं करनी करनी है, है, और और अपने अपने सतो सतो प्रधान प्रधान मौलिक मौलिक संस्कारों संस्कारों में में जीना जीना है। है। जैसे जैसे वैद्य वैद्य लोग लोग नब्ज नब्ज देखकर देखकर दवाई दवाई देते देते हैं, हैं, ऐसे ऐसे तुम तुम बच्चों बच्चों को को भी भी आत्माओं आत्माओं को को परख परख कर कर
उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देना है, क्योंकि तो सर्व आत्माएं पात्र नहीं होते। अपनी ज्ञान रत्नों की गठड़ी उन्हीं के सामने खोलो जो पात्र हैं, जो उसके कदरदान हैं। जो ईश्वरी कुल का होगा उसे ज्ञान टच होगा, उसे ज्ञान में दिलचस्पी होगी, उसका दिल करेगा और ज्ञान सुनूं और ज्ञान सुनूं। जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। ये हमें धारण करना है, जितना हो सके ईश्वरी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, अटेंशन देना है। ईश्वरी पढ़ाई से ही आत्मा का कल्याण होगा। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन, स्वयं भगवान शिव टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे, सतगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे रहे, हमें खूब पुरुषार्थ करके स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाना है। हमारे मुख से हमेशा ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती। इसलिए कभी भी खुशी गायब हो तो चेक करना कि सत्य में असत्य मिक्स तो नहीं हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए सत्य स्वरूप में जीना है, जो आत्मा का स्वरूप है, तभी हम सत्य युग में सतयुग में जा सकेंगे। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक गीत सुनाए। ओम शांति। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसवां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सी, अपने हित तो सभी जीते हैं,
सीखे असत नहीं ये प्रभु की दुनिया और नहीं है ये दुखदाई दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई जन को प्रभु देते सब कुछ लेकिन जन तो बनना सीखे ईश हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे देना सीखे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बस्ते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।